कर्नाटक में एशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत हो गई है बेंगलुरु में। आपको बता दें कि एयर इंडिया मेगा शो का शुभारंभ पीएम मोदी ने वायुसेना अड्डे येलहंका से किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये महज एक शो नहीं, इस शो के जरिए जहां एक तरफ भारत की ताकत का पता चलेगा, वहीं विश्व स्तर पर भारत को एक नई पहचान मिलेगी। तो ये कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। इस एयर शो में 809 कंपनियां देश की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। कुल 98 देश इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, साथ ही 32 देशों के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने एयरो इंडिया 2023 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एयरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में पीएम ने कहा कि रक्षा एक जैसा क्षेत्र है जिसकी तकनीक, मार्केट और सतर्कता को सबसे जटिल माना जाता है, लेकिन इस शो के जरिए रक्षा मामले में निर्यात को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक भारत विश्व के दूसरे देशों से रक्षा का सामान आयात किया करता था, लेकिन अब हम खुद 75 देशों का रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। पीएम ने रक्षा मामले में भारत की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, लेकिन वो हमेशा जमीन से ही जुड़ा रहता है। पीएम ने कहा कि आज भारत की संभावनाओं और सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आकाश में गर्जना करते तेजस विमान मेक इन इंडिया की सफलता का प्रमाण है। 21वीं सदी का नया भारत अपना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई देश नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के साथ ढलने लगती हैं। आज का ये आयोजन भारत की नई सोच को भी प्रतिबिंबित करता है। ये आयोजन केवल एक शो नहीं है, ये भारत की स्ट्रेंथ भी है। कर्नाटक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और स्टार्टअप जगत के लोगों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने पुनीत राजकुमार को भी याद किया। इस दौरान पीएम ने फिल्म अभिनेताओं से कहा कि दक्षिणी राज्यों के फिल्म उद्योग ने अपने काम से भारत की संस्कृति और पहचान को काफी बढ़ावा दिया है। उन्होंने विशेष रूप से सराहना की कि कैसे दक्षिणी राज्यों में उद्योग ने महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बताया कि भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति समेत खेल प्रतिभाओं को कैसे प्रोत्साहित कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी में अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने पौड़ी में पर्यटन के विकास पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बीसी कोश्यारी के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की। इससे पहले सीएम ने छात्रों को से भी मुलाकात की। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान पौड़ी को चार धाम यात्रा से जोड़ने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी पर्यटन नगरी के साथ साथ धार्मिक स्थित रहता है और इसका पुराणों में भी पौराणिक महत्व है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि आगामी चार धाम यात्रा को पौड़ी के साथ जोड़ा जाए, जिससे पौड़ी के विकास को चार चांद लगाया जा सके। सीएम ने कहा चारधाम यात्रा में पौड़ी को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना प्रदेश सरकार का मकसद है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। अपने इसी अभियान के तहत बीजेपी ने ग्वालियर में मीडिया प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया। मीडिया प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास झूठे आरोप लगाने और झूठे सवाल पूछने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मुजफ्फरनगर में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहर कोतवाली रोहाना मार्ग पर यह घटना हुई है।
पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी ने मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े चंदन राम दास ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ पौड़ी से किया जा रहा है, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। तो सरायकेला में बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन अटल पार्क सभागार में हुआ। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी मिशन 2024 को लेकर मूल मंत्र दिए गए। खेतड़ी के सांखा में पैंथर देखे जाने के मामले में वन विभाग ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार पैंथर का रेस्क्यू कर लिया। डॉक्टर अरविंद माथुर की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अररिया में घरेलू विवाद में एक पिता ने अपने बेटे को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ के सदस्य रायगढ़ से पदयात्रा करते हुए बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाने की मांग की। सीहोर में ग्रामीणों ने विधायक के नेतृत्व में निकाली जा रही विकास यात्रा को रोका, मूलभूत सुविधाओं से वांछित ग्रामीणों ने यात्रा को रोका। दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी के पास जंगल में भीषण आग लग गई, आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जोधपुर में व्यापारी को स्क्रैप का माल खरीदने के लिए बुलाकर हथियार की नोक पर 11,75,000 रुपए खाते में ट्रांसफर कराने का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला निकाय बांदीपुरा ने प्रधान कार्यालय में बैठक की और निकाय के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी फिरदौस अहमद ने की। फिरोजाबाद में अज्ञात युवक का शव नाली में पड़ा मिला, इसी दौरान मौके पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। विद्युत कार्यालय जामताड़ा में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक इरफान अंसारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कार्यपालक अभियंता संजय कुमार और बिजली विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में दामाद ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चले यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती में किराने की दुकान में कार अनियंत्रित होकर घुस गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दुकानदार और ग्राहक ने भागकर अपनी जान बचाई, वहीं दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। मेरठ के एनवायरमेंटल क्लब के द्वारा संजय वन दिल्ली रोड मेरठ में नई पहल की गई। क्लब सदस्यों ने वन में लगे पेड़ों को गले लगाकर हक डे मनाया और उन्हें लिपटकर धन्यवाद किया। जालौन में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर एक युवती की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अररिया पुलिस ने शराब तस्कर को भागलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शराब तस्कर पर अन्य जिलों में शराब तस्करी सहित लगभग 13 मामले दर्ज हैं। प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके हर जिले में गौशालाओं का निर्माण कराया गया है, ताकि किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात मिल सके। लेकिन जिले में 4 बड़े गौ आश्रय केंद्र और कई छोटे गौशाला निर्माण होने के बावजूद भी किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात नहीं मिल रही है। नर्मदापुरम में एक दिवसीय बैलगाड़ी प्रतियोगिता नर्मदा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुई। बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए जलसलाब उमड़ पड़ा। भीड़ को काबू करने के लिए वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। हरदोई में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा में एक शादी समारोह में 3 दर्जन से अधिक हमलावरों ने विदाई कार्यक्रम के दौरान घर पर हमला कर दिया। हमले से परिजनों और रिश्तेदारों में चीख पुकार तक मच गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है।
हरदोई में एक दिन पहले जंगल में लकड़ी काटने गई महिला का शव मिला। महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने मामले की जांच पड़ताल की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन के दौरान पुलिस पर हुए पथराव पर पुलिस सख्त है। दून पुलिस ने पथराव के मामले में कुछ लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। पुलिस कप्तान के मुताबिक आंदोलन के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोलियो के प्रधानाध्यापक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सो गए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में 3 माह से भी कम का समय शेष है। समय को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यात्रा के पड़ावों में जिला प्रशासन सड़क विद्युत पेयजल स्वास्थ्य सहित विभिन्न समस्याओं के निस्तारण में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी के दिलसौर के पास एक व्यक्ति बुद्धे सिंह खाई में फंस गया। बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी है और नशे में वो पैर फिसलने की वजह से खाई में गिर गया। उसे इलाज के लिए उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। केदार घाटी के हिमालय क्षेत्रों में विगत दिनों हुई बर्फबारी के बाद चटक धूप खिलने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश के बाद मौसम साफ होने से ग्रामीण चटक धूप का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। रामनगर में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अवैध खनन को रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने पथराव कर दिया। पथराव में वन विभाग का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है ताकि आने जाने वाले शिव भक्तों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की मदद से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेगी। पुलिस अधीक्षक और डीएम ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कांवड़ सेवा दल बनाया है। वहीं एसपी ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम का धन्यवाद किया। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी पर निशाना साधा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी में एंट्री की संभावना को खारिज किया। उन्होंने सीएम नीतीश और जीतनराम मांझी की एनडीए में वापसी को भी खारिज किया। सहारनपुर में पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत बीते 10 दिनों में 120 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये अपराधी लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे हैं। मेरठ में एक कैंटो चालक की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नशेड़ी कंटेनर चालक कार को कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। गनीमत रही कि कार में सवार 4 युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। कौशाम्बी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। गश्त के दौरान पुलिस ने नुसरुल्लापुर नहर रोड पर संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने के बजाय संदिग्धों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मेरठ के थाना पलवपुरम क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बदायूं में घर से खेत पर पशुओं का चारा लेने गए युवक की मौत हो गई। इस दौरान 11,000 हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर युवक के ऊपर गिर गया। तार की चपेट में आने से करंट लगकर युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बदायूं में आवारा गोवंश ने गेहूं की 5 बीघा फसल को नष्ट किया। फसल नष्ट होने की आहत किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं परिजनों को मिली सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया। तो बांका में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शराब माफिया के पास 2 देसी लोडेड कट्टा और 35 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। मेरठ की थाना दिल्ली गेट पुलिस ने देर रात नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मार्केट में 2,000 के नकली नोट चलाते हुए पकड़ा गया, जिसमें एक दुकानदार को शक हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस को मौके पर बुला लिया। वैलेंटाइन डे के मद्देनजर सहारनपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने प्रेमी जोड़ों को परेशान करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रेमी जोड़ों से अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी के मुताबिक शहर के सभी रेस्टोरेंट और पार्कों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
नासिक के लासलगांव में हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर काम करते हुए कर्मचारी को रेलवे टावर इंजन ने कुचल दिया। हादसे में चार कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 9 पर एक बाइक पर 6 लोग सवार होकर तेज रफ्तार में सफर कर रहे हैं। हापुड़ की पुलिस और एसओजी की टीम ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है जो दिल्ली एनसीआर सहित अन्य राज्यों में वाहन चोरी कर वाहनों की नंबर प्लेट बदलकर बिहार में वाहन सप्लाई करता था। यह गिरोह ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों की चोरी करता था। कैमूर में धान चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 142 धान के बोरे खाली, 500 बोरे एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक बाइक और 7 मोबाइल भी बरामद किए। बदायूं में बाइक और ई रिक्शा के बीच टक्कर हो गई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून पुलिस ने 5 साल से फरार एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। फरार आरोपी घोड़ासन गैंग और चादर गैंग का सदस्य था और उस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी त्यौहार शिवरात्रि को लेकर मंदिर का जायजा लिया और दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं कंट्रोल रूम में जाकर उन्होंने व्यवस्था को देखा। झांसी में सूचना पर जा रही जार 112 की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि घायल जवान का इलाज जारी है। मधुबनी में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। जोरागढ़ थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी गांव में पुलिस ने नेपाल की एक युवती को गिरफ्तार किया है जिसमें 50 ग्राम उससे ड्रग्स भी बरामद हुई है। एसडीपीओ विप्लव कुमार ने इस धरपकड़ की जानकारी दी। गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड के नौजवानों ने उम्दा प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के एथलीटों ने एक दिन में 9 मेडल छटके। मयंक डिमरी ने 2 गोल्ड, ऋषभ ने 1 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। नोएडा में टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। लंबे समय से रोड टैक्स न जमा करने वाले वाहन मालिकों के बैंक खाते से वसूली की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सूची बनाकर जिला प्रशासन को भेज दी है।